हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इश्रत आयशा बुटीक। आज हम बटन फुट से बटन लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सफाई से लगते हैं और बिल्कुल आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये है बटन फुट हमारा। ये कुछ इस तरह का रहता है और ये प्लास्टिक का रहता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो बीच में यहाँ रोड टाइप की रहती है छोटी सी, तो इसी से हमारा फिट होता है मशीन में। तो ये जो मशीन की रोड है उसको हम इस तरह से सेट करेंगे और प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करेंगे। अगर इसके नीचे करने पर आपका फुट नहीं लगता तो आप जो पीछे प्रेशर फुट होल्डर रहता है उसको अपनी साइड पुश करेंगे तो ये जो फुट है बिल्कुल सही लग जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और चेक कर लें ताकि परेशानी ना आए आपको बाद में। तो मेरा फुट बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। अब यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे और बटन के जो कई साइज़ हैं वो मैंने लिए हैं, तो मैं कुछ बटन आपको इसमें से लगाकर बताती हूँ, बड़ा या छोटा किस तरह से हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का बटन ले रही हूँ और इसको हम मशीन फुट के नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से और बटन को फुट के नीचे दबाएँगे। तो अब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे कर देंगे और अब हमें ये चेक करना है जो निडल्स है वो जो बटन होल है उसमें सही बैठ रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, जो थ्रेड एक्सटेंशन रहता है हमारा वो 4 पर रखेंगे। और यहाँ पर सिलेक्टर को सिलेक्ट करते टाइम हमारी जो निडल्स है वो टॉप पर रहना चाहिए। इसके बाद हमें सिलेक्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्टर को अब हम सी पर रखेंगे और जो हमारी लेंथ है वो हम 0.5 के बीच रखेंगे कुछ इस तरह से। तो 0.5 में क्या होता है, जो मशीन आगे नहीं बढ़ती, वहीं पर मूव करती है जैसे बटन में हमें चाहिए पड़ती है। और विथ मैंने यहाँ पर 3 रखी है। विथ को हम बटन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी हमारा बटन होता है। तो ये विथ से ही डिपेंड करता है हमारा बटन का साइज़ क्या है, तो उसी हिसाब से हम बटन लगाते हैं इसमें। तो अब हम निडल्स को चेक करेंगे, जो हैंड व्हील की सहायता से चेक करेंगे जो निडल्स है वो होल में बैठ रही है या नहीं। तो मैं चेक करती हूँ आप। तो ये देखिए, ये निडल्स है बिल्कुल होल में जाना चाहिए, तभी आपका जो बटन है सही लगेगा, नहीं तो आपकी जो निडल्स है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हम हैंड व्हील से चेक करते हैं जो निडल्स है वो होल में सही बैठ रही है या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट होल में तो मेरी बैठ गई है और सेकंड में भी, तो ये देखिए सेकंड में भी जा रही है। इसकी जो विड्थ रखी थी मैंने 3 रखी थी, इसलिए ये सेट हुई है इस तरह। अगर आपका बटन बड़ा या छोटा है तो आप विड्थ कम ज़्यादा करके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फुट को चलाएंगे, मशीन को ऑन कर देंगे और फुट को चलाएंगे। फुट को हमें 8-10 बार चलाना है, जैसे कि बटन में सिलाई लगती है ना, उसी तरह से हमें 8-10 बार इसको चलाना है ताकि बटन हमारा टक जाए अच्छे से। तो ये देखिए, मेरा जो है वो बटन टक चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक साइड का बटन टकता है, उसके बाद हम नीचे का दोबारा से इसी तरह से प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं और इसके थ्रेड्स को कट कर लेते हैं। और ये जो हमारे धागे हैं इनको हम पकड़ के 2 गठान इसमें लगा देंगे। हमारी जो गांठ है इसमें लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो बटन है वो निकले ना धुलने वगैरह में, नहीं तो हमारे बटन निकल जाते हैं। क्योंकि जो मशीन के बटन होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, इसलिए ही निकलते हैं। अगर हम इसमें गांठ नहीं लगाएंगे तो ये निकल जाएंगे जल्दी धुलने वगैरह में। बाकी अगर आप गांठ लगा दोगे तो ये अच्छे लंबे समय तक आपके लगे रहेंगे, इसलिए गांठ ज़रूर लगाएं। तो अब हम इसको कट कर लेंगे धागे को। तो मैं ये जो मेरा धागा है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये पूरा अच्छे से कट कर लें धागे को ताकि जो बटन है बिल्कुल अच्छा सफाई से दिखे। अब हम इसका ये दूसरे होल हैं उसी को भी, उसको भी इसी तरह से टक करेंगे। तो यहाँ पर फुट के नीचे हमें रखना है बटन को
और प्रेशर फुट लिफ्टर को करेंगे नीचे और हम देखेंगे निडल्स सही जा रही है नहीं। वो तो मेरी निडल्स टकरा रही है इसलिए अब हम फुट को थोड़ा सेट करेंगे। तो ये देखिए अब जो निडल्स है मेरी चली गई अंदर फर्स्ट होल में। अब हम सेकेंड होल में देखते हैं कि हमारी जो बैठ रही है नहीं। तो देखिए सेकेंड में भी सही तरह से बैठ गई है मेरी निडल्स। अब हम फुट को चला देंगे 7-8 बार मैंने यहाँ पर फुट को चला दिया है। तो अब हम निकालेंगे हमारे जो बटन है वो टक कर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए अब हम इसकी जो धागे हैं इसमें भी 2 गठाने लगा देंगे। गांठ लगाना ज़रूरी है इसलिए गांठ ज़रूर लगाएं और ज़्यादा भी नहीं आप 2 गांठ लगा देंगे तो इससे भी आपका बटन काफ़ी अच्छा लंबे समय तक चलेगा और बिल्कुल पक्का हो जाता है इससे। क्योंकि जो इसके धागे निकले हुए होते हैं अगर उसमें गांठ नहीं लगाएंगे तो वो निकलते चले जाते हैं इसलिए हम इसमें गांठ लगा देते हैं। तो ये देखिए मेरी जो गांठ लग चुकी है और बटन देखिए आप कितनी सफाई से टका है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं आपको अब बड़ा बटन लगाकर बताऊंगी। तो ये देखिए अब हम बड़ा बटन लगाते हैं। तो जो बड़े बटन का साइज़ है देखिए इस तरह से है मेरा और अब हम इसको सेट करेंगे फुट के नीचे। ये देखिए फुट के नीचे हमें इस तरह से सेट करना होता है जो हमारी निडल्स है वो फर्स्ट होल में अच्छे से बैठे। अगर नहीं बैठे तो आप फुट को ऊपर करके उसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। तो बटन को सेट करना ज़रूरी होता है नहीं तो आपकी जो निडल्स है वो डैमेज होती है इससे। तो ये देखिए हैंड व्हील की सहायता से चेक करें और करना है तो अगर आप फुट की सहायता से चेक करेंगे तो आपकी निडल्स तो डैमेज होना ही है इसलिए हैंड व्हील की सहायता से ही चेक करें। तो ये देखिए जो होल में मेरी निडल्स अच्छे से बैठ रही है दोनों होल में। तो अब हम फुट को चला देंगे। फुट को मैं चला देती हूँ 7-8 बार लगभग। तो ये देखिए जो बटन है हमारा ये टक गया है। अब हम इसके धागों को कट करेंगे और इसमें हम गांठे लगा देंगे 2। ये देखिए इस तरह से ही लगाएं आप 2 गांठे। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ 2 ही से काम हो जाएगा हमारा। अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब हमारे जो दूसरे होल हैं उसको भी हमें इसी तरह से सेट करना पड़ेगा। तो देखिए फुट के नीचे हम रखते हैं अब इसको सेट करते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर को दबाएंगे चेक करेंगे निडल्स सही बैठ रही है या नहीं। नहीं बैठ रही तो दोबारा से सेट करें। तो ये देखिए मेरी जो निडल्स है वो फर्स्ट होल में अच्छे से बैठ चुकी है और अब हम सेकंड में चेक करते हैं। क्योंकि जो मेरा जो बटन है वो बड़ा साइज का है पर इसका जो होल का साइज़ है वो 1 ही है इसलिए मुझे विड्थ बदलना नहीं पड़ रही तो मेरा 3 में ही काम हो गया। अगर आपके थोड़ा बड़ा बटन है उसका होल थोड़ा दूर पड़ जाता है तो उसमें आपकी विड्थ भी बढ़ जाती है इसलिए ये बात का ध्यान रखें। अगर ना बैठे तो विड्थ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो देखिए 7-8 बार हम चला देंगे मशीन को। तो बटन टक चुका है अब हम इसको कट कर लेंगे और धागे में गांठे लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम गांठे लगा दें धागों में। अब हम धागों को कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो बटन है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे लग चुके हैं और इसी तरह से आप बटन लगा सकते हैं और बिना फुट के बटन कैसे लगाते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से आप लगाना सीख सकते हैं। तो मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।